हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम सीखेंगे यूकेजी का मैथ्स। उसमें टॉपिक है हमारा आफ्टर हमने सीखा था, और आज का टॉपिक है बिफोर। हम पहले आफ्टर का रिवीजन कर लेंगे कि आफ्टर नंबर किसको बोलते हैं, वो तो आपको पता ही है ना। ऐसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है 1 का आफ्टर नंबर कौन सा है? जो पीछे वाला नंबर होता है वो हम उसको आफ्टर नंबर बोलते हैं। तो 1 के पीछे क्या लिखा है? व्हाट कम आफ्टर 1। तो 1 के पीछे वाला नंबर कौन सा है? 2। फिर उसके बाद व्हाट कम आफ्टर 2। तो वो 2 का आफ्टर कौन सा नंबर हुआ? 3। और 3 का आफ्टर 4, और 4 का आफ्टर 5। ऐसे हम सीखे थे ना। तो हम अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर लिखती हूँ, और नंबर को हमको कि कौन से नंबर के पास पीछे कौन सा नंबर आएगा, कौन से नंबर का कौन सा नंबर आफ्टर बनता है। 1 4 14 का आफ्टर नंबर 1 9 19, 11 17 18 19 20। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नंबर लिखे हैं, और आप मुझे बताओ कि 1 4 14 के पीछे कौन सा नंबर आता है। व्हाट कम आफ्टर 14 नंबर, 14 नंबर का आफ्टर नंबर कौन सा है? तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो 11 वाली लाइन बोलनी पड़ेगी। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14। और 1 4 14 के बाद कौन सा नंबर बोला जाता है? 1 5 15। तो 1 4 14 का आफ्टर नंबर कौन सा हुआ? 1 5 15। 1 5 15 1 9 19 नंबर लिखा है। तो हम इसके लिए हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, 19 नंबर जो लाइन में आता है वो लाइन बोलनी पड़ेगी। कौन सी लाइन में आता है? वेरी गुड, 1 1 11 वाली लाइन में। तो हम क्या करेंगे, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। तो 1 9 19 के पीछे हम कौन सा नंबर बोलेंगे? 1 9 19 का कौन सा नंबर आफ्टर हो गया? 2 0 20। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 0 20, 2 0 20। यहाँ पर है 1 1 11, ये तो इजी है ना, 1 1 11। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 1 1 11 का आफ्टर नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 1 2 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 12। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। तो 7 नंबर का आफ्टर नंबर कौन सा हुआ? 7 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वाली लाइन बोलनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद कौन सा नंबर बोला जाता है? 8। तो 7 का आफ्टर नंबर कौन सा हुआ? 8। चलो यहाँ पर बताओ कौन सा नंबर इसका है, कौन सा नंबर है? वेरी गुड, 3। तो 3 का आफ्टर बना हो गया 4, ये रहा ना 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। यहाँ पर 6 है, तो उसका आफ्टर कौन सा हुआ? वेरी गुड, 7। यहाँ पर 4 का आफ्टर वेरी गुड 5। 2 का आफ्टर नंबर वेरी गुड,
ऐसे यहाँ पर 8 का आफ्टर नंबर कौन सा आया है बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के बाद कौन सा नंबर बोला जाता है 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। 5 का आफ्टर नंबर कौन सा है, वेरी 6 1 7 17। उसका आफ्टर नंबर कौन सा है, आपको नहीं आता है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 वाली लाइन बोलनी पड़ेगी। 11 वाली लाइन के अंदर 1 7 17 आता है तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड 1 8 18। यहाँ पर 1 3 13 उसका कौन सा नंबर है, कौन सा आफ्टर नंबर होगा उसका, वेरी 1 4 14। यहाँ पर 1 0 10 तो 1 0 10 के बाद क्या आएगा, 1 1 11 तो उसका आफ्टर नंबर क्या हुआ, 1 1 11। चलो आप अच्छे से एक बार देख लो, देख लिया ना, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आफ्टर नंबर कैसे लिखा जाता है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ बिफोर नंबर, बिफोर नंबर किसको बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगी। हम क्या करते हैं पहले नंबर लिख लेते हैं 1 to 20 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। क्या किया हमने, पहले 1 to 10 नंबर लिख लिया, उसके बाद हम 11 to 20 नंबर लिख लेते हैं। मैं नंबर लिखूं और आपको बोलना है, चलो बोलो, वेरी गुड 3, वेरी गुड 4, वेरी गुड 5, कौन सा नंबर है 8 गुड 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 20। हमारा यहाँ पर नंबर नहीं आता था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1 9 19 2 0 20। तो अब बिफोर नंबर किसको बोलते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ पर सीखेंगे उसके आगे वाला नंबर, जैसे कि 2 के आगे कौन सा नंबर है 1, तो 2 का बिफोर नंबर क्या हुआ 1। यहाँ पर 3 के आगे कौन सा नंबर है 2, तो 3 का बिफोर नंबर कौन सा हुआ 2। अब आप बताओ 4 का बिफोर नंबर क्या होगा, वेरी गुड 4 का बिफोर नंबर होता है 3। ऐसे 5 का बिफोर 4, 6 का बिफोर क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, वेरी गुड। अब 7 का, वैसे ही सारे जो आगे वाले नंबर होते हैं उसके बिफोर नंबर, 1 0 10 का बिफोर नंबर क्या है 9, और 1 1 11 का बिफोर नंबर होगा 1 0 10, क्योंकि 1 1 11 से पहले 1 0 10 को बोला जाता है। अब यहाँ पर 1 2 12 उसका बिफोर नंबर क्या होगा, वेरी गुड 1 1 11। 1 3 13 का इसके आगे वाला नंबर आपको बोलना है, मेरो लगाओ की और आप नंबर बोलोगे।
टेन का बिफोर नंबर, सेवन टेन का, एटीन का, और नाइनटीन का बिफोर नंबर क्या होगा? एटीन, और ट्वेंटी का बिफोर नंबर नाइनटीन। समझ में आया ना? यहाँ पर एरर नहीं करती हूँ, चलेगा, क्योंकि उसके बाद ये नंबर आता है। अच्छे से देख लो कि कौन सा नंबर किसके आगे है, जिसके आगे नंबर हो उसका बिफोर नंबर बोलते हैं। तो आपने देख लिया, अब मैं नीचे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखती हूँ बिफोर नंबर के। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे कि 2, 4, 7, 5, 8, 11, 14, 16, 6, 9। ये सारे नंबर ऐसे ऊपर है ही। अब आप देख लो कि कौन सा नंबर किसका बिफोर नंबर होता है। 2 का बिफोर कौन सा होगा? क्या होगा? 1। यहाँ पर 4 का बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 7। ये रहा उसका बिफोर नंबर, उसके आगे वाला नंबर देखना है। बिफोर मतलब आगे वाला नंबर। तो 7 का पहले क्या आता है? वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। अब 5, 5 का बिफोर नंबर क्या होगा? वेरी। यहाँ पर 8, ये रहा 8, 8 का बिफोर वेरी क्या आएगा? 7। 1, 1, 11, ये रहा 1, 1, 11। मैंने बताया था ना 1, 1, 11 का बिफोर नंबर कौन सा होता है? 1, 1, 11 के पहले कौन सा नंबर लिखा जाता है? 1, 0, 10। तो इसका बिफोर क्या होगा? 1, 0, 10। ये 1, 4, 14, 1, 4, 14 का बिफोर नंबर आगे वाला कौन सा होगा? क्या लिखो यहाँ पर? 1, 2, 12 नहीं, क्या आएगा? 1, 3, 13। अब 1, 6, 16 का बिफोर नंबर क्या है? कौन सा नंबर है देखो? 1, 6, 16। उसका बिफोर नंबर 1, 5, 15। तो हम यहाँ पर 1, 5, 15 लिखेंगे ना। ये पर 6 का बिफोर नंबर, ये रहा 6 का बिफोर 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अब लास्ट वाला नंबर है 9 का बिफोर नंबर कौन सा है? 9 कहाँ पर है? ये ऊपर वाले लाइन में लाइन, ये 9 का बिफोर नंबर, ये है आफ्टर नंबर और ये है बिफोर नंबर। तो 9 का बिफोर नंबर कौन सा आएगा? वेरी गुड। कैसे लिखते हैं? ऐसे 8। अच्छे से एक बार देख लो कि बिफोर नंबर कैसे किसके जिस नंबर के आगे वाला नंबर हो उसको हम बिफोर नंबर बोलेंगे। आप यहाँ पर अच्छे से देख लो एग्जांपल में कि कौन से नंबर के आगे
कौन सा नंबर है? चलो बच्चों, तो आपने देख लिया ना कि क्या वो बिफोर नंबर जिसके आगे होते हैं, जो नंबर के आगे नंबर वो ब्लैंक होती है और उसके अंदर जो नंबर लिखना पड़ता होता है उसे हम बिफोर नंबर बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे कार्ड ले रही हूँ, उसके ऊपर कुछ नंबर लिख रही हूँ और आपको बताना है कि ये इस नंबर के आगे कौन सा नंबर आएगा। ये क्या है? 1, 5, 15। तो उसका बिफोर नंबर क्या है? बोर्ड पर देखो और मुझे बताओ कि उसका बिफोर नंबर क्या है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, 4, 14। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि बिफोर नंबर किसको बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।